एवरीवन, मैं हूँ संध्या। वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लहसुन और मिर्च की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, जो कि आपके टिफिन बॉक्स, लंच और डिनर को बना सकती है बहुत ही स्वादिष्ट। तो आई होप सो कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। आज की रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो भी चीज़ चाहिए थी वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली हुई हैं। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ सरसों का तेल 1 कप, जो कि गर्म होने के बाद मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ लहसुन की वो सारी कलियाँ जिनको हमने अच्छे से छील के साफ़ करके रखा हुआ था। तो लहसुन की कलियों को हमें तब तक इसको फ्राई करना है जब तक हमारे गोल्डन कलर ना आ जाए। तो हमें इसको गोल्डन कलर होने तक इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे सारी ही लहसुन कलियाँ हमारी गोल्डन कलर की हो चुकी हैं, तो इसको हम अच्छे से एक प्लेट में निकाल लेंगे। और उसके बाद हमने मीडियम साइज का प्याज कट करके रखा हुआ था जिसको मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे मीडियम साइज की कट की हुई अदरक के टुकड़ों को। इन दोनों को ही हमें अच्छे से इसमें फ्राई करना है। और इसके बाद मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे हरी मिर्च, जिनको मैंने 2 पार्ट में कट कर लिया है। आप चाहो तो समूची भी डाल सकते हो, जैसा आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के बाद मैं इसमें अब डाल दे रही हूँ जीरा और सौंफ, और यहाँ पे ली हमने खड़ी धनिया। तो आप लोगों को भी यहाँ पे खड़ी धनिया का ही यूज़ करना है, क्योंकि खड़ी धनिया भुनने के बाद जो उसका टेस्ट आता है ना, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और एक अलग ही सा फ्लेवर आता है। तो ये सारी चीज़ें भुनने के बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे नमक, जो कि इन सारी चीज़ों को अच्छे से सॉफ्ट करने के लिए मैंने डाला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब इसमें मिक्स हो जाएंगी नमक के साथ में, तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगी और जल्दी से पक भी जाएंगी। और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ मूंगफली के दाने, जो कि हमारे रोस्ट किए हुए रखे हुए थे। तो मैं इसमें अब डाल दे रही हूँ कि ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अगर आपके पास रोस्ट किए हुए नहीं रखे हैं, कोई बात नहीं है, आप ऐसे कच्चे भी डाल सकती हो, जो कि इसमें डालने के बाद वो हल्के से फ्राई हो ही जाएंगे। सारी चीज़ों के फ्राई होने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं अपने फ्राई किए हुए लहसुन, जो कि हमने पहले से निकाल के रख लिया था अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिक्स हो जाएंगी, तो इनको हम 1 मिनट तक इसको और पकाएंगे। उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब हमारी ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, तो फिर हमने यहाँ पे लिया हुआ मिक्सी जार और इन सारी चीज़ों को इसमें डालकर हमें इसका एक अच्छा सा तैयार करना है, जो कि तैयार हो चुका है। इसी के साथ साथ हमारी लहसुन और हरी मिर्च की जो चटनी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है। लहसुन खाने के भी अपने फ़ायदे होते हैं, जैसे हृदय को स्वस्थ रखता है, सूजन और मधुमेह को कम करता है, पाचन क्रिया में सुधार लाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो हमें इस तरीके की चटनी को अपने खाने में यूज़ करना चाहिए, ताकि ये सारी चीज़ें सही रहें। और सबसे लास्ट में हमने डाल दिया है विनेगर, जिससे कि हमारी चटनी 1 वीक से लेकर 15 डेज तक ख़राब नहीं होगी। इसको स्टोर करके रख सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए